गुलबर्गा शहर के एम एस की मिल शाहजिलानी दरगाह के अपोजिट अल सईद हेल्थ केयर क्लिनिक और मेडिकल का इनोग्रेशन जनाब इलियासेट बागबान के हाथों किया गया है और चीफ गेस्ट कृष्णा रेड्डी, साजिद कल्याणी, सज्जाद अली इनामदार, शेख हुसैन और दीगर लोग मौजूद थे। मोहम्मद सईद इस हॉस्पिटल के प्रोपराइटर हैं और डॉक्टर मजहर हुसैन MBBS शाम 7 बजे से 9 बजे तक इस हॉस्पिटल में वक्त देने वाले हैं। डॉक्टर मजहर हुसैन चिंचोली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस देते आ रहे हैं और इन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है। इस हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक से लेकर ओल्ड एज तक एलर्जी, किडनी स्टोन, अस्थमा प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, पाइल्स और दीगर तमाम बीमारियों का इलाज किया जाएगा। गुलबर्गा एमएस के मिल शाहजिलानी दरगाह के अपोजिट इस हॉस्पिटल को ओपन किया गया है। एमएस के मिल और आसपास के लोग इस हॉस्पिटल से फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल सईद हेल्थ केयर क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ शाहजिलानी दरगाह मदीना कॉलोनी में। डॉक्टर्स हमारे मोहम्मद मजहर हुसैन साहब MBBS यहाँ पे फिजिशियन एज ए रहेंगे। हमारे चक्की सेठ के साहेबजादे हैं और जो है सईद साहब भी यहाँ पे रहेंगे और इमाम पटेल साहब उनके वालिद हैं। इन्हें भी सबको दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा दे और लोग यहाँ से शिफाए आप होके जाएं। हम ये दुआ करते हैं और आवाम से भी गुजारिश है, आप भी खुद भी बीमार हो गए तो यहाँ आइए, यहाँ वहाँ इधर उधर दूर मत जाइए। अपने डॉक्टर साहब हैं, अपने मोहल्ले के हैं, अपने MS के मिल के हैं, घर के जैसे फैमिली डॉक्टर जैसे हैं, तो आवाम से भी गुजारिश है आप आएँ। और उम्मीद है डॉक्टर साहब से फ़ीस वगैरह बहुत कंसेशन करेंगे गरीबों के लिए और दवाएं वगैरह भी जो है कम से कम लिख के जो है गरीबों की मदद करेंगे, उम्मीद है। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ पे शिफायाब होके जाइए और डॉक्टर साहब के लिए सबके लिए मुबारकबाद है हमारी, आप अच्छा करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। अल सईद हेल्थ केयर सेंटर आज सईद डॉक्टर सईद साहब के फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ और डॉक्टर मोहम्मद मजहर हुसैन साहब उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आज जो शाहजिलानी दरगाह के बिल्कुल सामने जिलानाबाद के अंदर जो आज एक सेंटर क्लिनिक सेंटर ओपन किया गया, आज हम लोगों को यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे हमारे इलिया सेठ और हमारे सज्जाद अली साहब और हमारे कारपेंटर हुसैन साहब सब लोगों को यहाँ पे दावत दिए। आप लोगों को सबको मैं उनके तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मैं दुआ नहीं करूँगा कि आपके क्लिनिक को आवाम आए। अगर जिसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है वो लोग आना बोल के मैं दुआ करता हूँ, क्यों बोले तो हम हॉस्पिटलों से दूर रहे आवाम बोल के मैं दुआ करता हूँ। आज ज़्यादा हमारे गुलबर्गे में मरीज़ नहीं बढ़ना चाहिए। कोविड के अंदर कई हॉस्पिटलों में हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कई हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट नहीं मिला, डॉक्टर्स नहीं मिले, तो आज ये क्लिनिक यहाँ पे खोलना पड़ रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट के अंदर MLA के नेतृत्व में हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट के खोलना चाहिए। अभी तक हमारे नॉर्थ के अंदर हेल्थ सेंटर नहीं है सर,
यहाँ के MLA का जिम्मेदारी बनता है। आने वाले दिनों में आवाम का उन्होंने खिदमत करना चाहिए। हेल्थ सेंटर जितने हो सके उतना गवर्नमेंट से खोले तो आज आवाम को एक सहूलत मिलता है। आज प्राइवेट क्लिनिक वाले आने के लिए सोचना पड़ेगा। आज जो फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है बोल के हर एक वार्ड में हर एक गली में एक क्लिनिक खोलना पड़ रहा है प्राइवेट, तो आज बहुत खुशी की बात है। आज बहुत खुशी की बात है, आज क्लिनिक बहुत MBBS डॉक्टर्स पूरे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिनों में आपका क्लिनिक आपके हाथ में शिफा मिलना चाहिए। अगर कोई भी अगर मरीज आपके पास आ रहा है तो जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट करिए और उनके पेशेंट को, ये एक रिक्वेस्ट है आपको डॉक्टरों से, पेशेंट को अगर कभी आप लेते पेशेंट का हालत फाइनेंशियली पूछ के मत लो, आप पहले उनको ट्रीटमेंट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मदीना कॉलोनी में शाह जिलानी दरगाह के रूबरू एक नया हॉस्पिटल अल सईद क्लिनिक हेल्थ केयर क्लिनिक जो है ना स्टार्ट हुआ है। इसके ये जो अल सईद क्लिनिक के ओनर हमारे दोस्त सईद साहब और यहाँ के डॉक्टर मजहर साहब चक्की सेठ के फर्जंद को मुबारकबाद देता हूँ। बड़े खुशी की बात है, आज हमारे मदीना कॉलोनी में एक मेडिकल हब बना हुआ है। यहाँ शाह जिलानी दरगाह की रोड जो है ना अभी इस वजह से पहचानी जाएगी कि तमाम हॉस्पिटल्स मेडिकल स्टोर्स यहाँ पर जितने हैं, मैं समझता हूँ गुलबर्गा में कहीं भी नहीं है वन लाइन में, तो 500 फीट 600 फीट के अंदर कम से कम 5 से 6 मेडिकल स्टोर हैं। तो दुआएं हैं हजरत सैयदना अब्दुल्ला शाह जिलानी रहमतुल्ला ना की कि तमाम के तमाम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छे तरह से कारोबार कर रहे हैं और चल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको पेशेंट को शिफा भी दे रहे, इनको दवा भी दे रहे। यहाँ ये बुजुर्गाने दीन की दीन का साया है, इस साये में इन ये हमारे अल सईद जो हेल्थ केयर है फले फूले बोल के मैं इतने दुआओं के साथ मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। MS किमिल जिलानाबाद नज़्द दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह जिलानी के करीब अल सईद हेल्थ केयर सेंटर और अल सईद मेडिकल का इफ्तिताह किया गया। आज के इस इफ्तिताह के हमारे मेहमान अलहाज मोहम्मद इलियासिर बागबान साहब और हमारे सैयद सज्जाद अली इनामदार साहब, साबिका डिप्टी मेयर जनाब कृष्णा रेड्डी साहब जो वार्ड नंबर 16 में उनके वालिदा जो है कारपोरेटर हैं, यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं अल सईद के जो भी ओनर्स हैं हमारे मोहम्मद सईद साहब और उनके वालिद मोहतरम इमाम पटेल साहब और ख़ास कर मेरे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद मजहर हुसैन साहब जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद मजहर हुसैन साहब के ताल्लुक से इतना ही कहूँगा कि आप जो है मुसलसिल काफ़ी जवरगी में भी सेट ड्यूटी करे हैं, आप चिंचोली में भी जो है ना अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मदीना कॉलोनी पे सर्कल पे भी आप क्लिनिक तकरीबन मैं समझता हूँ अच्छे खुश मिजाज इंसान है, तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके हाथ में जो है ना जो भी बीमार हो गया आएगा शफा अल्लाह ताला आपके हाथ में दे। और मेरे खासकर मेरे क्लासमेट भी है, बचपन से मेरे साथी हैं, हम साथ हाई स्कूल पढ़े हैं, कॉलेज भी पढ़े हैं, वो डॉक्टर बने हैं, मैं कारपोरेटर बना हूँ। फिर एक बार मैं तहे दिल से आप मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये मैं डॉक्टर मजहर हुसैन हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल चिंचली में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ 5 साल से और तकरीबन जो है मेरा तजुर्बा जो है 15 साल से है। और शाम के वक्त मैं फ्री था, सुबह में चिंचली में रहता हूँ, शाम में जो है फ्री रहने के बाद अब हमारे मोहम्मद सईद साहब के ताउन से शाम का वक्त यहाँ पे शाह जिलानी दरगाह के सामने जो है टाइम दीजिए बोलकर बहुत फोर्स करने के बाद उनकी बात को मैं इनकार नहीं कर सका। तो शाम का वक्त जो है यहाँ पे जो है थिक पॉपुलेशन है दरगाह के साथ जो ये अब जो क्लिनिक है यहाँ पे थिक पॉपुलेशन रहने की वजह से यहाँ पे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पेशेंट है, जनरल वीकनेस के पेशेंट है, पीडियाट्रिक से लेके
ओल्ड एज तक जो है यहाँ पे मैं देख यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ आप लोगों की सबकी दुआओं से। और शुक्रगुजार करता हूँ कि है ना हमारे इस क्लिनिक पे हमारे अल्हाज जो है इलियास सेठ साहब आए हैं, हमारे कृष्णा रेड्डी साहब आए हैं, हमारे सज्जाद अली साहब आए हैं, उनका भी बहुत बड़ा ताउन है। और मेरे ख़ास दोस्त कॉरपोरेटर 40 के जनाब शेख हुसैन साहब भी जो है यहाँ पे मेरे खास क्लासमेट हैं, उन्होंने भी मेरे यहाँ पे जो है जो आके जो उनका शुक्रगुजार हूँ इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है खिदमत का अंजाम अदा करूँगा यहाँ। शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सन्मान्य जिला सेठ साहेबरु हागू कृष्णा रेड्डी साहेबरु नामदार साहेबरु हुसैन साहेबरु मत्तु डॉक्टर साहेबरु अल सईद आस्पत्रेयन्नु ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ। ನಾವು ಈ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 15% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ। ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मैं आज अल सईद हेल्थ केयर क्लिनिक एंड अल सईद मेडिकल की ओपनिंग किया हूँ, जिसका इनॉग्रेशन किए हैं अलहज इलियास सेठ, एक्स चेयरमैन ऑफ NKRTC एंड हमारे कृष्णा आई रेड्डी और साहब, हमारे सज्जाद अली साहब और हमारे शेख हुसैन साहब, इन लोगों ने आके हमारा इनॉग्रेशन किया है। इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे वालिद साहब की क़यादत में हम ये जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक जो हम स्टार्ट किए हैं, मैं इनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर मज़हर हुसैन साहब MBBS जो जाने माने बहुत से विलेजेस में और नियर बाई गुलबर्गा जितने भी है वहाँ से सर्विस दिए हैं। और हमारे अब चिंचोली तालुक़े में गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्टर्स भी है और हमारे को बहुत एक अपना कीमती वक्त देकर हमारे पास एक शाम में इवनिंग 7 PM से 11 PM तक टाइम दे रहे हैं। इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और आप लोगों से भी एक अपील करता हूं कि आप लोग सेहतमंद रहिए। हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम कुछ है तो उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्टर मज़हर हुसैन साहब से। हमारे डॉक्टर साहब की सर्विस पीडियाट्रिक से लेके ओल्ड एज तक के पेशेंट्स को देखते हैं हमारे डॉक्टर साहब, जो भी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम। और हमारे क्लिनिक का एड्रेस है अपोजिट शाह जिलानी दरगाह MSK मिल मदीना कॉलोनी जलानाबाद गुलबर्गा। शुक्रिया।